इंडिया के अंदर जब भी कोई व्यक्ति एक घर खरीदने की सोचता है तो उस व्यक्ति को वो मकान अपने नाम करवाने के कुछ ना कुछ प्रोसीजर तो पता ही होते हैं, लेकिन तब भी वो व्यक्ति किसी न किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी न किसी कागजों के अंदर, किसी न किसी चीज की मिस्टेक तो कर ही बैठता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एक नया मकान खरीदते हैं और जब उसकी रजिस्ट्री की बारी आती है तो आपको किन बातों के ऊपर ध्यान रखना है, और तो और इस वीडियो के अंदर हम ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे जिसे आपको अपने मकान की रजिस्ट्री कराते हुए बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इंडिया में चल रहे दिन प्रतिदिन कानून की जानकारी लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले बारी आती है कि अगर आप भी कोई भी मकान या प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें क्या करना है। जब भी आप कोई भी मकान या प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उस मकान के, उस प्रॉपर्टी के ओनर से पर्सनली मिलना चाहिए और उस प्रॉपर्टी के कागज डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि असलियत में वो प्रॉपर्टी किस व्यक्ति के नाम पर है। अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको उस प्रॉपर्टी के पावर ऑफ अटॉर्नी को देखना चाहिए कि असलियत में इस प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी किस व्यक्ति के नाम पर है। इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको एक फोटोकॉपी करवा लेनी है और अपने पास रख लेनी है। इसमें दूसरी चीज आपको ये करनी है कि जिस भी मकान को आप खरीदना चाहते हैं तो उसके आस पड़ोस से, उसके आस पर रहने वाले जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं उनसे आपको बात करनी है और ये पता लगाना है कि क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कोर्ट केस चल रहा है या फिर नहीं। अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो आपका जितना भी पैसा लगाया होता है वो डूब भी सकता है। इस चीज की जानकारी आपको उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं देगा बल्कि आपको इस चीज की जानकारी खुद ही निकालनी होती है। इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि जब भी आप एक नया मकान खरीदने जाते हैं तो आपको उसका कुछ अमाउंट, कुछ परसेंट जो है सरकार को एज ए स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। जब भी आप कोई भी मकान खरीदते हैं तो उस मकान की दो वैल्यू होती है, एक तो एक्चुअल वैल्यू जिस वैल्यू पे सेलर आपको वो मकान बेच रहा है और दूसरी वैल्यू वो होती है जो सरकार द्वारा वो सर्कल रेट के हिसाब से की जाती है, यानी कि सरकार द्वारा उस इलाके के सर्कल रेट से उस प्रॉपर्टी का दाम लगाया जाता है। तो स्टैम्प ड्यूटी उस वैल्यू के ऊपर लगती है जो भी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर कोई एक्चुअल वैल्यू एक प्रॉपर्टी की 10 लाख रुपए है, यानी कि एक सेलर जो है आपको अपनी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की बेच रहा है, और वहीं अगर हम बात करें सरकार के सर्कल रेट की तो उस प्रॉपर्टी का रेट है 3 लाख रुपए, तो उस केस के अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख रुपए के ऊपर पे करनी होती है, क्योंकि हमेशा स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो हायर अमाउंट के ऊपर पे की जाती है। और जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करना होता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस यूजुअली 1% के हिसाब से लगाया जाता है, और वहीं अगर हम बात करें स्टैम्प ड्यूटी की तो स्टैम्प ड्यूटी कम से कम 3% से लेकर के 10% होती है। वो डिपेंड करती है कि वो आपकी प्रॉपर्टी किस इलाके के अंदर है। तो चलिए अब बात करते हैं उस डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि जब भी आप एक नया मकान खरीदते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जो है आपको बनवाना ही होता है। तो इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है सेल डीड। ये सेल डीड सेलर और बायर के बीच में की जाती है, जिसके अंदर आपको हर एक चीज का ध्यान रखते हुए हर चीज क्लियरली मेंशन करनी होती है। इस सेल डीड के अंदर सेलर का नाम आता है, बायर का नाम आता है, और साफ साफ ये लिख दिया जाता है कि आज से इस प्रॉपर्टी का मालिक बायर होगा, और इसी के साथ साथ ये प्रॉपर्टी इतने वैल्यू के अंदर बेची जा रही है, और साथ में सरकार को इतनी स्टैम्प ड्यूटी पे की गई है, और साथ ही में जितने भी कागज सेल डीड के अंदर बनेंगे उस हर एक कागज के ऊपर सेलर और बायर के सिग्नेचर होने बहुत ही जरूरी हैं। और विटनेसेस की बात करें तो लास्ट पेज के ऊपर विटनेसेस के सिग्नेचर होने बहुत ही जरूरी हैं। जब भी आप नई प्रॉपर्टी के कागज बनाते हैं तो उस केस के अंदर सेलर की आइडेंटिटी कार्ड और 3 फोटोग्राफ्स, बायर की आइडेंटिटी कार्ड और 3 फोटोग्राफ्स, और इसी के साथ साथ आपको 2 विटनेसेस की आवश्यकता होती है। उन विटनेसेस के सिग्नेचर, उन विटनेसेस की फोटोग्राफ्स होनी बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन 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 आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक सेल डीड बना रहे होते हैं तो आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं भी कोई भी कंडीशनल सेल नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर एकदम कंप्लीट ओनरशिप होनी चाहिए कि आज से इस डेट से इतनी वैल्यू देने के बाद ये व्यक्ति इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, ना कि कंडीशनल सेल होनी चाहिए। कंडीशनल सेल के अंदर होता है कि अगर ये चीज पूरी होती है तभी ये व्यक्ति इस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है।
तो चलिए अब बात करते हैं, जब आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको उन्हें रजिस्टर कैसे करवाना होता है। इसके लिए आपको अपने इलाके के सब रजिस्टर ऑफिस के ऊपर ऑनलाइन जाना है और वहां से आपको अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जा करके आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी विटनेसेस हैं, उनको लेकर जाना है। जितने भी सेलर हैं, बायर हैं, उनके आधार कार्ड को लेकर जाना है, उनके आइडेंटिटी कार्ड को, किसी भी चीज़ को लेकर जाना है, उनकी फ़ोटोज़ को लेकर जाना है और वहाँ जा करके आपको वेरिफिकेशन करवानी है। तो उसके बाद रजिस्टर ऑफिस के अंदर सेलर और बायर की और विटनेसेस की फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं और उन्हीं सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी नोट किए जाते हैं और उसके बाद रजिस्टर ऑफिस के अंदर वो रजिस्ट्री सबमिट हो जाती है। तो चलिए अब बारी आती है उस रजिस्ट्री को रजिस्टर ऑफिस से कलेक्ट करने की। जब भी आप एक रजिस्टर ऑफिस के अंदर अपनी रजिस्ट्री को सबमिट करके आते हैं तो उसके बाद कम से कम 10-15 दिन के बाद सब रजिस्टर ऑफिस जो है आपके डॉक्यूमेंट्स बना देता है और आपको वहां जाकर के अपनी रजिस्ट्री कलेक्ट करनी होती है। जब बायर के हाथ में वो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं उसी दिन से वो बायर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। लेकिन 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 वहीं अगर किसी भी एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लेकर के अपनी प्रॉपर्टी ली है तो उस केस के अंदर बैंक द्वारा उसके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उस प्रॉपर्टी के वो बैंक द्वारा ही अपने पास रखे जाएंगे